विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जो हम चाहते हैं बाबा श्याम वही करेंगे। विश्वास का अर्थ तो यह है कि जो हमारे लिए सही होगा बाबा श्याम वही करेंगे। हेलो जी, केम छो तमे? तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे खाटू श्याम जाने का, लेकिन कुछ मुहूर्त ही नहीं निकल पा रहा था, यानी ऐसा हो ही नहीं पा रहा था कि हम जाए। तो संडे था और हम निकल पड़े और सुबह सुबह सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन तेज़ बारिश भी हो रही थी। अब बारिश में कैसे जाएं, वो भी छोटा बच्चा भी है साथ में। फिर सोचा कि नहीं, अब मन में आ गया है जाना है तो किसी भी हालत में जाएंगे, भले भीगते हुए जाएंगे लेकिन जाएंगे। और हम निकल गए खाटू श्याम के लिए सुबह सुबह ही। और ये आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि गाड़ी चलाते टाइम ना सामने दिख भी नहीं रहा था, फिर भी धीरे धीरे गाड़ी चलाते चलाते हम पहुंच गए। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बहुत सारे लोग तो भीग चुके थे ऐसे ही। और मैं टावल लेके गई थी तो मेरा छोटे बाबू है उसको मैंने ऐसे कवर कर दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं भीगा था, वो बच गया था भीगने से। बाकी हम लोग तो भीग गए थे ऐसे ही। और यहाँ पे बारिश हो रही थी उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और ऐसे सुन लोग बता रहे थे यहाँ पर कि अगर बारिश नहीं होती ना फिर तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि ये जो पूजा की टोकरी लिए है ना ये इस तरह से लेके नहीं चल सकते, इसको ना सर पे रखना पड़ता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और ये दिल्ली में ही है और हमारे घर से ये करीब आधे घंटे की दूरी पर है, तो हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। और वैसे हम यहाँ पर पहली बार गए हैं तो उसके बाद फिर हमने अभी सोचा है कि अब हम हर महीने में एक बार तो ज़रूर जाएंगे यहाँ पर, और जाना भी चाहिए सभी को। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी और हमें 4 से 5 घंटे आराम से लग गए थे। तो ये रहा मेरा छुटकू, टावल में मैंने इसको लपेट लिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ पर हर चीज़, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ जाकर। मंदिर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ऊपर से यहाँ पर अभी बहुत सी चीज़ें तो बन रही है। तो ये देखिए मेरा छिटकू को। और हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए इसका पार्ट 2 बना दिया है, तो ये वीडियो देख लें, उसके बाद फिर जब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा उसे भी ज़रूर देखें। और वैसे भी ये पूरा साल हेडलेस एनर्जी का है तो इस बार खाटू श्याम के दर्शन करना तो बनता ही है और जाना ही चाहिए। ये जो हमारे पीछे लड़कियां थी ना, ये मेरे बाबू को लड़की समझ रही थी, बाद में उन्होंने नाम भी पूछा था इसका तो मैंने बताया था, तो वो बोली कि हम इसको लड़की समझ रहे थे लेकिन ये तो लड़का निकला। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संभाल कर चलना पड़ रहा था क्योंकि जो रेलिंग है इसमें पानी भर चुका था और हर जगह ना फिसलन थी, और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी बट कोई नहीं, दर्शन तो हो गए आराम से। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो मेरे छुटकू ने किया है यहाँ पर, जो कि इस पार्ट में नहीं आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, बहुत ही डांस किया है उसने। और जो यहाँ पर जो भी घर बनाने का एक है यहाँ पर, अगर आपका घर नहीं बन रहा है, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं घर बनाने का लेकिन आपका घर नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर जाकर यहाँ पर ईंटें रखी हुई है, वहाँ उस ईंटों से घर बनाते हैं अगर आप, तो आपका घर जल्दी बन जाएगा, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको स्वस्तिक बनाना होता है, और यहाँ पर स्वस्तिक बनाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आकर आप अर्जी लगा रहे हैं अपनी, और यहाँ पर ये सारे मन्नत ही मन्नत के नारियल बंधे हुए थे, उसमें कुछ पर्चियाँ भी लगी हुई थी। और जिसका भी आपने घर जो ईंटें जो है रखी हुई है वो घर बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आपको बनाना है तो उसी किसी के घर को तोड़कर फिर आपको अपना घर बनाना होता है। तो जिसका भी ईंट आप जिसका भी घर तोड़ते हैं या जिसकी भी ईंट से आप अपना घर बनाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपने जिसका भी घर तोड़कर ईंट से बनाया है अपना घर, तो बस उसका घर पहले बनता है उसके बाद में आपका होता है। तो इस हिसाब से तो अच्छा है ना कि हमारी वजह से हमसे पहले किसी और का भला हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने भी ऐसा किया था,
और यहाँ पर ये दो ट्रकें रखी गई थी और ऊपर लिखा हुआ था बाबा दे रहा है ट्रक भर कर ले जाओ मन भर कर। और यहाँ पर आते आते म्यूज़िक थोड़ा सा तेज़ सुनाई देने लगा क्योंकि हम पास में आ गए थे, जिसकी वजह से मेरा बाबू बहुत इंजॉय कर रहा था और ये डांस करते करते ही जा रहा था। तो दिल्ली धाम का ये 8वां अजूबा होने वाला है तैयार। ये आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी का यहाँ से भी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर एक एरोप्लेन भी रखा गया है, उसे रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं, और ट्रेन के डिब्बे भी रखे गए हैं जिसमें रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं, और बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी चीज़ें अभी बन रही है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था आने के बाद में, और यहाँ पर भजन चल रहे थे। यहाँ पर हम दर्शन करने के बाद में ये जो बैठने वाली जगह है यहाँ पर, तो बस यहाँ पर हम लोग 1 घंटे के करीब बैठे हुए थे। वैसे ये भी सही था कि बारिश हो रही थी तब हम गए थे, तो गर्मी का पता नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। और वैसे अगर गर्मी में जाते तो गर्मी तो लगती ही, और मेरा बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लाइन थी ना, और ऊपर से उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। बट ये नहीं हुआ, हम लोग बारिश में पहुँचे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम से तो हम बच गए। और यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए भी काफ़ी सारे व्यवस्था है, कुछ भी आप और जो भी खाना है उसका प्राइस भी अच्छा ही है, और खाना भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है यहाँ पर। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट है। वैसे हम सुबह से घर से सुबह बिल्कुल निकलते हैं, तो हम 10 बजे के करीब निकले थे और हम 4 बजे के करीब घर वापस आए थे, तो इतने इस बीच में भूख तो लग ही जाती है, तो हमने यहाँ पर ही खाना खा लिया था। और यहाँ पर भी आपको थाली भी मिल जाएगी और बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं खाने की वो मिल जाती है, और प्राइस भी अच्छा ही था। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई था, और बाकी छोले भटूरे हैं उसका प्राइस अच्छा था और वो खाने में भी ठीक ठाक था, टेस्ट उसका अच्छा था। बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे गोलगप्पे वगैरह, वैसे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था उसका। और अगर आप यहाँ पर चप्पल पहन के, मीन्स के घर से चप्पल पहन के जाते हैं, तो आपको गेट के अंदर जाने से पहले ही बाहर काफ़ी लेडी से बैठी होती है, उन लोगों को चप्पल देना होता है रखने के लिए, और वो चप्पल रखती हैं। उसके बाद जब आप वापस रिटर्न आते हैं तो 10 रुपये दे, 20 रुपये जो भी आपके पास हो वो देकर उनसे चप्पल ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया था कि मैं अपना चप्पल गाड़ी में ही छोड़ के ही गई थी। वैसे अभी सावन स्टार्ट होने वाला है, तो सावन में मैं पूरे सावन चप्पल तो नहीं पहनती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, चप्पल तो वैसे भी मैंने पहनने वाली नहीं हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, अब बाकी का व्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा ये दिल्ली का खाटू श्याम मंदिर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार यहाँ जाना तो बनता है, तो ज़रूर जाएं यहाँ पर। एंड अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।